सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती इस वक्त ड्रग्स के आरोप में जेल में बंद है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट में रिया की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से इस सुनवाई को रोक दिया गया। बता दें कि अब एक और खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि रिया ने एनसीबी टीम को बताया है कि फिल्म केदारनाथ के दौरान सुशांत सिंह राजपूत और सारा एक दूसरे के करीब आए थे। हालांकि सुशांत पहले से ड्रग्स लेता था, लेकिन सारा अली खान से मिलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स के हैवी डोज लेने लगा। बता दें कि रिया ने सुशांत के क्यूरेटेड मरिजुआना का काफी ज्यादा एडिक्ट हो गया था। वो 10 से 20 डॉप्स लेता था। सुशांत पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट बन चुका था। रिया ने इस बात का भी खुलासा किया कि केदारनाथ मूवी की शूटिंग के दौरान वो हिमालय पर थे, वहां पर ड्रग्स आराम से मिल जाता है। सुशांत ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। रिया ने कहा कि फिल्म के दौरान दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी, लेकिन फिल्म के बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। जी हां, ये है सच। जहां पर सारा अली खान ने लगाई थी सुशांत सिंह राजपूत को हैवी ड्रग्स की आदत, और इन ड्रग्स की आदत ने बिगाड़ दी थी सुशांत की आदत, जिसके बाद सुशांत काफी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट नाइट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।